बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम फॉर ऑल। आई एम योर ट्यूटर अदनान गनी भट्ट। जियोग्राफी क्लास 7 ऑल पंजाब बोर्ड्स इंग्लिश मीडियम की वीडियोस बनाने का अमल जारी है। चैप्टर नंबर 4 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, कुरा हवाई का दर्जा हरारत, इसकी नेक्स्ट वीडियो की तरफ आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्टडी टाइम फॉर ऑल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इन्वर्जन का मतलब होता है उल्ट होना। इसको जो उर्दू में जो इसकी इस्तलाह बनती है उसको तकलीब कहते हैं, दो नुक्ते वाला काफ, तकलीब, तकलीब हरारत, हरारत का उल्ट होना। अब हम देखेंगे कि ये क्या फिनोमिनन है कि जो कि इस टॉपिक के अंदर हमें बताया गया, और ये उल्ट होना क्या चीज़ है दर्जा हरारत का। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एक्सप्लेन्स दैट टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट। अमूदी तकसीम जो दर्जा हरारत की है वो ये वजाहत करती है कि दर्जा हरारत बुलंदी के साथ कम होता जाता है। तो ऊपर वाले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि जूँ जूँ ज़मीन जब दर्जा हरारत अपने अंदर जज्ब कर लेती है और फिर वो उस हीट को खारिज करती है, तो उसके बाद जो फ़ज़ा का नीचे वाला पोर्शन होता है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और जूँ जूँ हम बुलंदी की तरफ सफ़र करते हैं तो हर एक 1000 फीट की बुलंदी पे जाने से 6 डिग्री से ज़्यादा दर्जा हरारत में कमी आती जाती है। यानी कि नीचे से ऊपर जाते हुए दर्जा हरारत कम होता जाता, ठंड बढ़ती जाती है। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर की, दर्जा हरारत की अमूदी तकसीम है, उसने हमारे लिए वाज़े किया कि जूँ जूँ हाइट की तरफ हम बढ़ते हैं तो दर्जा हरारत में कमी वाक़या होती है। बट एट सर्टन प्लेसेस इट रिवर्स, लेकिन बाज़ मुकामात पर ये उल्ट हो जाता है। एंड टेम्परेचर राइजेज विद हाइट, और जैसे ही हम हाइट की तरफ बढ़ते हैं तो दर्जा हरारत बढ़ना शुरू कर देता है। इफ़ द टेम्परेचर एट अर्थ सर्फेस इज़ 5 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर ज़मीन की सतह के ऊपर दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, देन इट इज़ 7 डिग्री सेंटीग्रेड अबव दिस पॉइंट। तो ऊपर जिस पॉइंट पे हम गए हैं तो वहाँ हमें दर्जा हरारत ज़्यादा महसूस होता है और वो 7 डिग्री तक पहुँच चुका है। दिस रिवर्स सिचुएशन ऑफ टेम्परेचर, दर्जा हरारत की ये उल्टी सूरत हाल इज़ नोन एज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इसको दर्जा हरारत की उल्टी तकसीम या इस दर्जा हरारत की तकलीब हरारत कहते हैं। यानी दर्जा जो रियलिटी में जो सूरत हाल है, अमूमी तौर पे जो सूरत हाल है उससे उल्ट। यानी वैसे तो यही सूरत हाल है कि जूँ जूँ आप ऊपर जाएंगे दर्जा हरारत कम होगा, लेकिन चंद एक सिचुएशंस ऐसी होती हैं उसकी डिटेल आगे आएगी कि उसकी वजाहत अभी आती है कि ऐसा होता है कि दर्जा हरारत हाइट पर जाके बढ़ जाता है। तो ये क्यों होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, और इसको इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं, उर्दू में तकलीब हरारत कहते हैं। रीज़न ऑफ इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तकलीब हरारत की वजह। सम टाइम्स ड्यूरिंग विंटर सीजन आफ्टर द सनसेट द वेदर बिकम्स क्लियर। बाज़ुकात मौसम सरमा में, सर्दियों के मौसम में सूरज गुरूब होने के बाद जो मतला होता है बिल्कुल साफ होता है, मौसम बिल्कुल क्लियर होता है। इन दिस सिचुएशन अर्थ हीट रिलीज़ रैपिडली, इस सूरत हाल में ज़मीन की जो हरारत है वो तेज़ी के साथ खारिज हो जाती है। एंड इट्स सरफेस बिकम्स वेरी कोल्ड, और ज़मीन की सतह बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। एज़ द एयर नियर अर्थ सरफेस टच इज़ द कोल्ड सरफेस, तो जो ज़मीन के करीबी हवा होती है वो जब ज़मीन की सतह को छूती है, इट आल्सो बिकम कोल्ड। तो ये हवा भी, यानी कि जो एटमॉस्फेयर की नीचे वाला हिस्सा है कि किस हिस्से की हवा ज़मीन से टच करती है, ज़मीन ठंडी होती है तो हवा भी ठंडी हो जाती है। बट द एयर अबव इट, लेकिन इससे ऊपर जो हवा होती है रिमेन्स कंपेरेटिवली हॉट, वो मुकाबलतन गर्म रहती है। एंड लाइट इन वेट, और वज़न में हल्की रहती है। तो ये कभी कभार सर्दियों में सिचुएशन पैदा होती है कि ज़मीन की सतह के ऊपर और जो एटमॉस्फेयर है उसके नीचे वाले हिस्से में जो टेम्परेचर है वो कम होता है, और थोड़ा सा ऊपर जाके आप टेम्परेचर चेक करें टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इसको इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यकीनन आप इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।